चल रहा है, यानी कि 4 दिन लगातार अगर आप हमारे साथ लोको का कम से कम एक गेम भी खेलते हैं सो यू गेट टू अर्न अ लाइफ फॉर योरसेल्फ। सो आई एम रियली श्योर कि अभी तक आपके पास ढेरों लाइफ हो चुकी होंगी और आपको उसको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी, ऐसी हमारी कामना है आपके लिए। तो शुरू करते हैं हम आज का गेम और पहला सवाल आ रहा है आपके लिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज। Which of the following companies sell mobile phones? Samsung, Maruti या फिर Lux? वैसे तो I'm sure आप सबने इन तीनों ब्रांड्स के एड्स बड़े देखे होंगे क्योंकि आजकल टीवी पे हम लोग शोज से ज्यादा एड्स देखते हैं और Lux का एड तो आपने देखा ही, उसमें कौन सा सेलिब्रिटी है जिसे आपने नहीं देखा होगा। सो यू नो दैट इज सो ब्रांड। मारुति इज अ कार ब्रांड एंड मूविंग ऑन टू द राइट आंसर विच इज ऑप्शन नंबर 1 एंड दैट इज सैमसंग। पर आप लोग जानते हैं कि सैमसंग जो अभी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बेचती है, 1938 में एक ट्रेडिंग कंपनी थी एंड उसने कई तरह के काम खोले थे, लाइक दे वर इन टेक्सटाइल, इंश्योरेंस, लेटर एंड लेटर ऑन टू इलेक्ट्रॉनिक्स। क्वेश्चन नंबर 2, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ वॉट? हाइट, वेट या फिर डिस्टेंस? ये हमारा कल रात का लड्डू था, तो अगर कल रात को आपने हमारे साथ लोको खेला था 10 बजे तो हमने आपको 10 बजे के गेम के बाद एक लड्डू दिया था जिसमें हम आपको एक हिंट देते हैं कि उस सवाल का जवाब क्या हो सकता है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3 विच इज डिस्टेंस। काफी सारे लोगों को हाइट और वेट लगा, आई हैव नो आइडिया आपने लाइट ईयर अपने स्कूल में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बट आई नो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग क्योंकि नेम में भले ही ईयर आता है लेकिन ये टाइम का यूनिट है एंड लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे लाइट ईयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फॉर यू गाइस। विच सीरीज हैज रिसेंटली बीन नॉमिनेटेड एनी अवार्ड्स? सेक्रेट गेम्स, इनसाइड एज या फिर ब्रीड? अगर आप लोगों ने इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स का नाम नहीं सुना है तो लेट मी टेल यू कि इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 1973 में स्टार्ट हुए थे और ये यूएसए के बाहर बनने वाली जो सीरीज और टीवी शोज हैं उनके लिए ये अवार्ड होता है। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 विच इज इनसाइड एज। काफी सारे लोगों को सेक्रेट गेम्स लगा, आई थिंक यू गाइज वॉन्टेड सेक्रेट गेम्स टू बी नॉमिनेटेड राइट, बट एमेजॉन प्राइम की सबसे पहली इंडियन ओरिजिनल सीरीज थी इनसाइड एज जो 2017 में आई थी एंड इट हैज बीन nominated in the International Emmy Awards this year. Question number 4. Which is the first slam of a calendar year? French Open, Australian Open या फिर US Open? ये आज का हमारा सोशल मीडिया लड्डू भी था, तो अगर अभी तक आप हमारे साथ सोशल मीडिया पर कनेक्टेड नहीं तो हम आपको बताएं लोको नेशन हमारी सोशल मीडिया पे भी बड़ी ही स्ट्रांग फैमिली है, तो अगर अभी तक आपने हमें @getlokonow पर कनेक्ट नहीं किया है तो इस गेम के तुरंत बाद हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे आप @getlokonow पर फॉलो कर सकते हैं। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 विच इज ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड वी हैव गॉट अबाउट 24,000 पीपल हैव गॉट इट राइट। वेल, ऑस्ट्रेलियन ओपन यूजुअली हैपेंस इन जनवरी। Question number 5. How many years before Amit Shah was Narendra Modi born? 5, 9 या फिर 14? ये जो एज के क्वेश्चन होते हैं कितने कैलकुलेटिव होते हैं ना, आई डोंट नो आपको कितना जल्दी कैलकुलेट करना पड़ता होगा कि क्या डिफरेंस होगा। एट द सेम टाइम यू नीड टू नो कि उनकी बर्थ डेट क्या है इंक्लूडिंग द ईयर एंड आई एम रियली रियली श्योर कि लोको नेशन आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 विच इज 14। काफी सारे लोगों को 5 लगा। वेल, लेट मी टेल यू कि नरेंद्र मोदी वॉज बॉर्न इन 1950 एंड अमित शाह वॉज बॉर्न इन 1964। वैसे देखने में अमित शाह और नरेंद्र मोदी लगभग हम उम्र लगते ही हैं लेकिन दोनों में काफी फर्क है। क्वेश्चन नंबर 6, द एयरलाइन हुज फाउंडर चेयरमैन नरेश गोयल स्टार्टेड ऑपरेशन इन विच ईयर? 1994, 1993 या फिर 1992? आई एम श्योर हमारे साथ काफी से सारे 90s के किड्स यहाँ पे खेल रहे होंगे हु आर आई थिंक नो मोर किड्स एनी मोर। आई एम श्योर यू वुड वॉन्ट टू बी रिफर्ड टू एज दैट बट नो यू आर नॉट एनी मोर। वेल, द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 विच इज 1993 एंड नरेश गोयल फाउंडर है जेट एयरवेज के। जेट एयरवेज वॉज फाउंडेड इन 1992 बट ऑपरेशन उसके स्टार्ट हुए 1993 में और हाल ही में जेट एयरवेज ने अपने ऑपरेशन के 25 साल पूरे किए हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, हियर यू गो। Indian government's Dash is a service storing official documents on the cloud. DigiLocker, GovDoc, या फिर DocLocker? You know, when I read about this, I think this is the most fantastic
फैंटास्टिक ऐप विच हैज कम इन इंडिया, जिसकी हमें इतनी जरूरत है, इतनी जरूरत है. आई एम रियली श्योर यू गाइज नो अबाउट दिस. ये सर्विस ऐप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिटीजन्स के लिए बनाई है, जिसमें हर किसी को अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट स्टोर करने के लिए 1 GB का स्पेस मिलता है. एंड द राइट आंसर, वेल एज यू ऑल गाइज नो इट सो राइट, डिजी लॉकर. एंड ये डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव है, एंड इसके जरिए आप जितने भी अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रख सकते हैं ऑन अ वेरी ऑफिशियल लेवल. क्वेश्चन नंबर 8, द राइटर ऑफ सारे राइट विच ऑफ दीज, बंग ए दारा, जबर ई अजम या फिर साजे नौ. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर अलामा इकबाल ने 1904 में एक गीत लिखा था, सारे जहां से अच्छा. एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, विच इज साजे नौ. अलामा इकबाल ने साजे नौ नहीं लिखी थी, लेकिन बाकी जो दोनों किताबें हैं, बंगे दारा और जाबरी अजम, वो उन्होंने लिखी थी. एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान. वेल, वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. सिर्फ दो सवाल है फॉर योर विनर, फॉर योर विक्ट्री टूडे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस बुक इज नॉट रिटन बाय अ स्पोर्ट्स पर्सन, नो होल्डिंग बैक, कॉन्ट्रोवर्शियली योर्स या फिर टीम ऑफ राइवल्स. वेल, लेट मी टेल यू कि जो नो होल्डिंग बैक बुक है वो वेस्ट इंडियन क्रिकेटर माइकल होल्डिंग ने लिखी है, वेर एज Controversially yours is written by Shoaib Akhtar. So moving on to the right answer, which is option number 3, which is Team of Rivals. Jo Team of Rivals hai, ye kitab likhi hai Doris Goodwin ne, and it's based on Abraham Lincoln's life. Ye book originally 2005 mein publish hui thi. Kaafi saare logon ko controversially yours likha. Let me tell you that that was written by Shoaib Akhtar. Question number 10. If the sequence of worst, then the sixth president would be dash Shankar Dayal Sharma, K.R. Narayanan या फिर R. Venkatraman. Well, भारत में अभी तक 14 presidents रह चुके हैं, और अगर इनकी sequence को reverse किया जाए और 14th president को अगर first number पे लाया जाए, तो जो sixth president होंगे, जो अभी के 9th president है, यानी कि the right answer which is Shankar Dayal Sharma, that would be the right answer. Over here, and the list, we have got 2,056 winners today. A big round of applause to you guys. Well, let me name a few over here. We have Biswaj 856, we have Santu Khut, we have PMN, we have Ajim.mmm, Sayan at the rate, winner, yes Sayan, you were the winner today. So big congratulations to all of you guys. Hum ek bar aapko phir se yaad dila de, kyunki aaj Karwa Chauth hai, agar aap dono as a couple saath mein ye celebrate kar rahe hain, aapne fast rakha hai, to please aaj raat ko apne special moment ki picture hame zarur bhejiye, because we will also feel very special if we can be a part of your special moment. So at the rate, Get Loco Now is our ID, wahan pe apni photograph hame zarur bhejiyega. I'm moving on to the next game. Let's do kaan laga ke ध्यान लगा के सुनिएगा. गांधी मैदान इज अ हिस्टोरिक ग्राउंड नियर द बैंक ऑफ गैंजेस इन पटना बिहार. आई रिपीट इट वंस अगेन फॉर यू. गांधी मैदान इज अ हिस्टोरिक ग्राउंड नियर द बैंक ऑफ गैंजेस इन पटना बिहार. सो दिस वॉज